हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है आपके टाइम से टॉपिक के ऊपर, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग फैराडेज लॉ पे डिस्कस करेंगे, इसलिए ये पहला टॉपिक आपका बनता है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ही पढ़ेंगे, लेकिन फैराडे के फर्स्ट नियम को हम अप्लाइड करेंगे, उसके बाद फैराडे के सेकंड लॉ को हम लोग अप्लाइड करेंगे। पहले आप फर्स्ट लॉ क्या है इसे आप समझ लो। फैराडे के फर्स्ट लॉ में अगर चलने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, और इसी रिमाइंड पे ही आपका क्वेश्चन बनेगा फैराडे के नियम के बेसिस पे। सपोज कर लो कि ये एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आपने पुटअप किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड में आपने इस जगह पे चार्ज सप्लाई किया, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, जैसे आप चार्ज सप्लाई करोगे आप क्या देखोगे कि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कहां? कैथोड पे, सही है। और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा कहां से? एनोड से। ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने पढ़ा ही है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि सोडियम कैथोड में डिपॉजिट होगा तो कितना डिपॉजिट होगा, मान के चलो यहां सोडियम डिपॉजिट हो रहा है या फिर क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहां से इवॉल्व होगा, ठीक है। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सोडियम कितना ग्राम डिपॉजिट होगा या क्लोरीन गैस कितना निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कंसिडर एज अ डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको कंसिडर क्या कर रहा है? डब्ल्यू कंसिडर कर रहा कि मास ऑफ डिपोजिशन ऑफ सोडियम या लिब्रेशन ऑफ गैस क्लोरीन इज कॉल्ड डब्ल्यू। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में ये मेंशन किया गया कि डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो मास ऑफ डिपोजिशन और लिब्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। जितना ज्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे डिपोजिशन उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सोडियम यहां डिपोजिट हो रहा एक ग्राम, ठीक है। चार्ज आपने सप्लाई किया क्या? एक्स। सपोज कर लो कि यहां पे आपने चार्ज को जस्ट डबल कर दिया 2x, तो डिपोजिशन क्या होगा? एक ग्राम से ज्यादा बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? ऑब्वियसली है कि जब आप चार्ज बढ़ाओगे तो डिपोजिशन भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज द फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हो जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इन टू क्यू। क्यू तो जान ही रहे हो आप कि क्यू क्या है। क्यू इज द चार्ज जो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहां आते हैं W, where W is equal to weight of deposition or liberation W के बाद Q, Q is called charge। और आपको पता है कि Q जो आता है वो कैसे आता है? I into T। I is current and T is the time। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे Q आ जाएगा। इसका बहुत जगह पे यूज भी होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में। और लास्ट वन इज Z। Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो गाइज यहां तक जो अभी हमने देखा ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, और फैराडे का फर्स्ट लॉ आपसे क्या कह रहा? फैराडे का फर्स्ट लॉ कह रहा कि वेट ऑफ डिपोजिशन और लिब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू बी सप्लाइड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे डिपोजिशन उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका चार्ज ज्यादा है डिपोजिशन ज्यादा होगा, चार्ज कम है तो डिपोजिशन क्या होगा? कम होगा, क्लियर। लेकिन गाइस अब अगर हम लोग को इसके क्वेश्चंस पे आना है तो हमें इसके क्वेश्चन के लिए कुछ और चीजें सीखनी होंगी। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। तो गाइस अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं एक यूनिट के ऊपर, जिस यूनिट को अभी से आप याद रखोगे कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, 96500 कूलम। ये याद रखोगे कितना होता है 1 फैराडे, और वो कैसे होता है वो मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक में बात कर रहा हूँ जिससे आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान होने जा रहा है। बस आपको एक यूनिट याद रखना है कि 1 फैराडे बराबर 96500, नॉट एक्यूरेटली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कितना? 96500 कूलम 1 फैराडे।
आगे दूसरी चीज को आपको याद रखना है कुछ मेटल्स के बारे में, जैसे सोडियम एक मेटल होता है जिसमें कितना प्लस होता है 1+, मैग्नीशियम एक मेटल होता है जिसमें कितना होता है 2+, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है जिसमें कितना होता है 3+, एल्यूमिनियम के बाद आते हैं कॉपर के ऊपर 2+, जिंक के ऊपर कितना 2+ होता है मोस्टली, इसके बाद सिल्वर के ऊपर होता है 1+ एंड सो ऑन, और इतना भी याद रहेगा आपको काफी है। दूसरी चीज कि इसका एटॉमिक मास याद रखना है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 27, कॉपर 63.5, जिंक 65 और सिल्वर 108। दिस वाज द एटॉमिक मास। तो ये दो चीजें अगर आपके माइंड में सेट है तो आप आसान तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और देखना मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान देते हैं कि ये है गाइस Na+, ये प्लस है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन, तो दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम अ सोडियम किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्वस, Na+ एक्वस का फॉर्म है, लेकिन जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बन जाएगा किसमें, सोडियम। ठीक है, ये एक मोल के लिए है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 96500 कूलम, दिस इज अ चू। ठीक है, इतना चार्ज अगर आप सप्लाई करोगे तो सोडियम डिपॉजिट होगा कितना ग्राम, जितना इसका एटॉमिक मास है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 ग्राम, तो सोडियम डिपॉजिट होगा लेकिन कितना ग्राम 23 ग्राम। वही सवाल अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं Mg2+ में, तो यहां देखो गाइस 2+ है तो ये इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन को देख करके तो आप क्या लिखोगे 2 × 96500 कूलम, अगर इतना चार्ज आप सप्लाई करते हो तो मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा कितना 24 ग्राम। थर्ड में आते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसमें Al के ऊपर क्या लिखते हैं 3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा Al सॉलिड के फॉर्म। फिर से आ जाओ, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो डिपोजिशन कितना चार्ज कितना सप्लाई करना होगा 3 × 96500 कूलम, तो ये डिपोजिट करेगा इतना चार्ज सप्लाई करके एल्यूमिनियम को कितना, जितना इसका एटॉमिक मास है दैट इज 27 ग्राम एंड सो ऑन। आप अप्लाई कर सकते हो कॉपर में, जिंक में और सिल्वर में बहुत इजी वे में। अब आते हैं गाइस, इस तरह से जब आपको बनाने आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हो। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, मैं अब आ रहा हूं आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज टू बी सप्लाइड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेन कॉपर सल्फेट, द कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड, कितना ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे 31.75 ग्राम। What is the charge? What is the charge to be supplied in a solution? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान सा कॉन्सेप्चुअल चीज लगाना, आंसर आपके हाथ में होगा। अब देखो यहां पे कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर, और मैंने अभी आपसे कहा कि कॉपर पे याद रखना 2+ होता है, उसका एटॉमिक मास याद रखना 63.5, तो कॉपर मेटल है तो पहले आप लिखोगे Cu2+, ऑब्वियसली है जब ये 2+ होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड दे बिकम कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म था, एक्वस फॉर्म था। यू कैन सी दिस 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स की ये एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा 2 × 96500 कूलम, अगर इतना चार्ज आप सप्लाई करते हैं तो कॉपर डिपॉजिट होता है कितना ग्राम 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर डिपॉजिट तो हो रहा लेकिन कितना ग्राम 31.75 ग्राम, यानी यहां पे डिपोजिशन है 31.75 ग्राम। तो ये बताइए कि चार्ज कितना सप्लाई किया गया, व्हाट इज द चार्ज टू बी सप्लाइड इन अ सॉल्यूशन, तो इसको आप क्या कंसीडर कर लोगे एक्स। अब आ जाना, इतना डिवाइडेड बाय एक्स बराबर होगा इतना के, इसको आप डिवाइड कर लो कितने टाइम्स कटेगा 2 × 2 को यहां ले आओ तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
टू इधर आएगा, टू से टू कट गया, आंसर आ जाएगा 96500 कूलम, या फिर इसी का आंसर आप लिख सकते हो 1 फैराडे। बात समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9650 कूलम चार्ज टू बी सप्लाइड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड ऑन कैथोड। आते हैं गाइस फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि आपको डिपोजिशन किसका देखना है, सिल्वर का देखना है। और जब सिल्वर का डिपोजिशन देखना है, इस डाटा को आप देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो सिल्वर, जैसे सिल्वर आप लिखोगे Ag प्लस, और ये प्लस को देखकर आप गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन, और Ag प्लस ये एक्वस है, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दे बिकम सिल्वर, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, याद रख सही है। अब क्या होने वाला, एक इलेक्ट्रॉन को देखकर आप कहोगे 96500 कूलम, यानी इतना कूलम चार्ज अगर आप सप्लाई करोगे तो सिल्वर डिपॉजिट होगा कितना, जितना उसका एटॉमिक मास है, दैट इज 108। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि डिपोजिशन कितना होगा अगर आपने चार्ज ये सप्लाई किया, तो चार्ज कितना सप्लाई किया गया, 9650 कूलम चार्ज सप्लाई किया गया, तो बताइए कि डिपोजिशन क्या हो जाएगा, दैट इज कंसीडर एज x, इतना बराबर इतना, x को बाहर निकाल लो, x को बाहर निकाल लेंगे और ये कट जाएगा 10 यहां जाएगा, तो x is equal to 108 divided by 10 काट दोगे तो 10.8 ग्राम डिपोजिट होगा, कब, जब इतना चार्ज आप सप्लाई करोगे तब। ठीक है, आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो गाइस एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये पहला रहा आपके सामने, दैट इज एग्जांपल 3.10, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइज किया गया कितने मिनट तक, 3 मिनट तक, विद अ करंट 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट सप्लाई किया गया, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। इस क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि हम लोग कौन से मेटल को कंसीडर कर रहे हैं, कॉपर, और कॉपर में अभी हमने यहां मिटाया भी नहीं है, आप जस्ट देख सकते हो कॉपर का 2+ है, एटॉमिक मास कितना 63.5। याद है कि कॉपर के ऊपर पहले आप 2+ लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये कॉपर, कॉपर सॉलिड होगा, लेकिन इस 2 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल को देखकर हम लिखेंगे 2 × 96500 कूलम, अगर इतना आप चार्ज सप्लाई करते हो तो कॉपर डिपोजिट होगा कितना, जितना इसका एटॉमिक मास है, और इसका एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम। आगे आते हैं गाइस, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है करंट है, मतलब करंट मतलब हमको यहाँ पे दिया हुआ आई कितना 1.5 एम्पियर, जस्ट आते हैं उसके बाद करंट के बाद टाइम दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू कितना 10 मिनट, मिनट है तो सेकंड में चेंज करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 600 सेकंड, तो I इंटू टी, क्योंकि आप Q पढ़े हो ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, I कितना 1.5 और T 600 मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 900 कूलम आएगा। I इंटू टी मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या आ गया Q, मतलब चार्ज इतना हम सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना ये अगर इतना चार्ज सप्लाई करते तो इतना डिपोजिट होता, ऑब्वियसली कि 900 कूलम चार्ज सप्लाई करोगे तब डिपोजिशन कितना होगा x, तो ऐसे केस में इतना बराबर इतना क्या होगा। अब क्या करो, इसमें से x को बाहर निकालो, ये हो गया है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, चलो आगे x को निकालने के लिए यहां पे गाइस हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू, सबसे पहले आ जाओ 63.5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 900 डिवाइडेड बाय कितना 2 × 96500 कूलम, 0 से 0 कैंसिल, इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो 571 डिवाइडेड बाय, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 × 10 = 0, नाउ यू कैन डिवाइड इट दैट द आंसर इज 0.29, ये आंसर आ गया। आपको करना क्या, आप फिर से क्वेश्चन में देख लो, आपको इसके बेसिस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे 2 × 76500 इसका एटॉमिक मास डिपॉजिट होगा, लेकिन चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है 900 कूलम, ये 900 कूलम हमने लाया कैसे, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा है Q is equal to I × T, I आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, T भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, I को T से मल्टीप्लाई करने हमने सेकंड में चेंज किया 10 को, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 900 कूलम, इतना चार्ज सप्लाई करोगे इतना डिपॉजिट होगा, 900 कूलम सप्लाई किया तो डिपोजिशन क्या हो जाएगा
एक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। हाँ तो गाइस, अगला जो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहला क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 3.12 और दूसरा क्वेश्चन है 3.13। पहले क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, क्या कह रहा, हाउ मच चार्जेस टू बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग डिडक्शन, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी किसके लिए। पहला कह रहा वन मोल एयर थ्री प्लस से एयर में कन्वर्ट हो रहा। अब यहां देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ एयर थ्री प्लस, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ऑब्वियसली ये थ्री प्लस है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन, एंड दे बिकम एल्यूमिनियम, किस फॉर्म में, सॉलिड इलेक्ट्रॉन। अब आप देख लो ये थ्री इलेक्ट्रॉन को देख के आप देख सकते हो 3×9650 कूलम कितना चार्ज सप्लाई करोगे, तो डिपोजिशन कितना होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना, 27 ग्राम। लेकिन मास से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछ रहा कि कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको इतने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, चाहे तो मैं ये लिख सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ 3 फैराड। क्वेश्चन फिर से देख लो सेकंड वाले में, वन मोल कॉपर टू कॉपर, यानी इस रिएक्शन को कराने में कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब आप सेकंड में आ जाओ, सेकंड में अगर आप लोग आते हैं तो सेकंड में क्या था, Cu2+ है, Cu2+ ऑब्वियसली कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दे बिकम कॉपर सॉलिड। आप 2 इलेक्ट्रॉन को देख कर क्या कह सकते हो, 2×9650 कूलम, ऑब्वियसली है कि 2 फैराडे होगा, आंसर क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ये लिख दो 2 फैराडे, 3 फैराडे या फिर 3×9650 कूलम। अगले केस पे आते हैं गाइस, ये वाले क्वेश्चन कहता है वन मोल जो है MnO4-2Mn2+ है, ऐसे केस में थर्ड वाले केस में आप क्या करोगे। इस केस में आप सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, ठीक है, क्या है MnO4- किसमें चेंज हो रहा है, Mn2+ में। आते हैं यहां पर, अभी फिलहाल आप ये देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में आपको एक चीज निकालना है जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का निकालेंगे, हमें नहीं आता लेकिन निकालेंगे, मैंगनीज को एक्स कंसीडर कर लेंगे, ऑक्सीजन का याद है कितना था, -2×4=-1। वैसे केस में कर देंगे एक्स -8=-1, ये -8 उधर चला जाएगा तो x=+8-1, तो x=+7, यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा, +7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। वैसे केस में देखो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा, 5 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन 5 कंप्लीट किया तो +2 बच गया। तो ऐसे केस में आपका गया 5, तो आप इसको लिख सकते हो 5×9650 कूलम, या फिर आप इसे 5 फैराडे का भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व 3.12, इसका स्क्रीनशॉट लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इसे मैं मिटाऊं। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये कह रहा कि आप ये बताओ कि कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 20 ग्राम हमको कैल्शियम चाहिए, किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। आप फिर से देख लो कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस होता है, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कैल्शियम। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती है, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप ये समझ लो 2×9650 कूलम होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो 40 ग्राम डिपॉजिट होगा, कब जब इतना चार्ज सप्लाई करेंगे तब। लेकिन गाइस यहाँ 40 ग्राम डिपोजिशन नहीं है, यहाँ डिपोजिशन है 20 ग्राम, तो ऐसे केस में आप देखोगे 20 और डिपोजिशन को क्या कंसिडर कर दोगे x, तो इतना बराबर इतना ये कट के आ गया 2 को यहाँ पुट अप कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x=2 क्या हो जाएगा 9650 कूलम, यानी कितना आप चार्ज सप्लाई करोगे, कितने ग्राम के लिए, 20 ग्राम कैल्शियम के डिपोजिशन पे। क्वेश्चन में गड़बड़ हो डाला ये है गाइस कि कैल्शियम सोल्ट को कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिकली आप ऑप्टेन कैल्शियम नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कैल्शियम सोल्ट को आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से कैल्शियम को सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ, नो डाउट हम आंसर बना लेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब आते हैं अगले केस में, कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम, तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे Al3+ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा क्या, एल्यूमिनियम के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। 3 इलेक्ट्रॉन को देख के आप लिखोगे 3×9650 कूलम, ऑब्वियसली डिपोजिशन कितना होगा, जितना इसका एटॉमिक मास है 27 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको चाहिए 40 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 40 ग्राम के लिए आपको डिपोजिशन एक्स
यानी 40 ग्राम। तो ऐसे केस में आपको x निकालना है, तो इतना बराबर इतना होता है, तो x को अपने जगह पर रहने दो। इसे यहां भेज दो मुलाकात करने के लिए 3 × 965 00 कूलम × ये इधर जाएगा 40 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 27 ये कट के आ जाएगा 9। इसे इसको मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, 20 बढ़ेगा तो कर देंगे 10^4। अब यहां पे हो जाएगा 386 डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 42.8 × 10^4। यहाँ पे 10^4 अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। इतना चार्ज आपको जरूरत पड़ेगा किस चीज के डिपोजिशन के लिए, 40 ग्राम क्या चीज डिपोजिट कराने के लिए, एल्यूमिनियम डिपोजिट कराने के लिए। आंसर आएगा 3.12 सॉल्व और क्वेश्चन 3.13 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाँ तो गाइस एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3.1 है, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3.14 क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, आप देख लो 1 मोल H2O 2O2 H2O 2O2 चेंज हो रहा है कितने 1 मोल में। आप दूसरी चीज में देख लो 1 मोल FeO किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। अब सवाल में है वाटर, आपने लिखा H2O, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें O2 में। अब आ जाओ ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताओगे। ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 और O2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया कि कैसे आपको निकालना है, तो आप पीछे जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद इसके बाद कंटिन्यू करना, डजंट मैटर। ये -2 to 0 हो रहा, ऑब्वियसली ये डिफरेंसेस कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे केस में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो ऐसे में हम लोग कर सकते हैं 2 × 965 00 कूलम, ठीक है। आगे आंसर फिर से आप समझ लो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा किस में, कूलम में, ऑब्वियसली कूलम में आया फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑब्वियसली ये क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन कर रहा, -2 to 0 दैट इज ऑक्सीडेशन। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने खेला किसके लिए, 1 मोल के लिए, तो 2 × 96,500। सर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा 1 मोल की जगह पर 2 मोल कर देगा, बेटा 1 मोल यहाँ पे जो मैं लिख नहीं रहा लेकिन अगली बार से लिखूंगा, आप इसके लिए याद रखना N × E × F। N मतलब नंबर ऑफ मोल, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और F स्टैंड फॉर द फैराडे। फैराडे के बारे में आप जानते हो 965 00 कूलम हमेशा इस्तेमाल करोगे, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस दोनों को कंसीडर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉस ही हो या फिर गेन ही हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, दैट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है यहाँ 2 दिखा और नंबर ऑफ मोल कितना 1, तो ऑब्वियसली अगर यही क्वेश्चन 2 मोल के लिए रहेगा तो आप क्या करोगे यहाँ 2 डाल दोगे, 3 मोल के लिए रहेगा तो 3 डाल दोगे, लेकिन है कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप पुट अप कर लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी में ये आंसर आ गया 2 फैराडे, दैट द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देना कुछ किताब में इसका आंसर 2 मोल के लिए बनाया हुआ, लेकिन आपको 1 मोल के लिए बनाना है। मैं 2 मोल वाला भी बता देता हूँ, पहले 1 मोल समझ जाओ। पहले आ जाओ आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयरन ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो, इसको आप x कंसीडर करोगे -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा +2, इसको कंसीडर करोगे क्या 2x − 6 = 0, तो x is equal to क्या हो जाएगा +6/2 = +3, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा +3। ऑब्वियसली है कि आप इस दोनों में कंसीडर कर लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जल्दी बताओ +2 से +3 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मोल कितना है 1 मोल, तो ऐसे के लिए अगर आप 1 मोल के लिए अगर आंसर लाना चाह रहे हो तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 1 × 1 × 965 00 कूलम, यानी 1 फैराडे आंसर आया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं 2 मोल के लिए, 2 मोल इसलिए क्योंकि कभी कभी बैलेंस भी करना पड़ जाएगा, Fe2 है तो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे फिर 1 मोल के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप कितने मोल के लिए बात कर रहे हो 2 मोल के लिए, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 × 965 00 कूलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 फैराडे किसके लिए 2 मोल के लिए और 1 फैराडे फॉर 1 क्या चीज के लिए 1 मोल के लिए। तो ऐसे केस में गाइस इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ फैराडे का सेकंड लॉ के लिए। थैंक यू।